सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना होगा। उनका कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि हमने 2021 से ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए, फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था। वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार को अब ईडी का नया निदेशक चुनना होगा, क्योंकि 31 जुलाई तक जो है संजय मिश्रा वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि उनका कार्यकाल जिस प्रकार से बढ़ाया गया वह अवैध है। बता दें कि 2018 में ईडी निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया। एनजीओ कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए अब इसमें दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके आगे उनका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर 2021 को एक अध्यादेश लाया था। इसके तहत ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का व्यवस्था किया गया था। इसी आधार पर मिश्रा को फिर से 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया। नवंबर 2022 में यह अवधि पूरी होने पर उन्हें एक बार 1 साल का विस्तार दिया गया। इस लिहाज से इस साल 18 नवंबर में उन्हें पद से रहते हुए 5 साल पूरे हो रहे थे। हालांकि अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 31 जुलाई को अपने पद से हटना होगा। बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने कानून को मनमाना बताते हुए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले मनमानी शक्ति खुद को लेने वाला अध्यादेश पारित किया, बाद में बिना चर्चा और वोटिंग के इस पर संसद में कानून पास करा लिया गया। बदलते हुए कानून के तहत आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया। बता दें कि विपक्षी दलों ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, और जिस प्रकार से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है उसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ईडी एक संस्था है जो किसी एक व्यक्ति के ऊपर है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना है। गृह मंत्री ने कहा कि इस प्रकार ईडी निदेशक कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत की और कहा कि यह सरकार के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।